जाने वाले हो या नहीं जाने वाले हो शाश्वत भाई के यहाँ पे? प्यारा सा गिफ्ट क्रियांश के लिए लिया है। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वैसे आप ये सोच रहे होंगे कि ये क्या दिखा रहे हैं भैया, किसका शॉप है जो ओपन हो रहा है। बाकी इसका बातें बाद में करेंगे। फुल ब्लॉग आएगा आपके लिए, बहुत ही मजेदार ब्लॉग आएगा, उसके लिए आपको वेट करना होगा। फिलहाल शुरू करते हैं आज का प्यारा सा ब्लॉग। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। गाइस गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, प्रणाम, सलाम, केम छुवन, भोजपुरी में बोले तो कैसन बानी लोग सब। स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे इस न्यू ब्लॉग में। शाम के बजने वाले हैं 5:33। फिलहाल इस टाइम हम जा रहे हैं पार्लर। बहुत सारा क्वेश्चन ये आ रहा था कि आप लोग जाने वाले हो या नहीं जाने वाले हो शाश्वत भाई के यहाँ पे, तो आप सबका जवाब दे दूं कि हम लोग जाने वाले हैं। और फिलहाल आज हम जाने वाले हैं, मतलब कल हम लोग मॉर्निंग में निकलेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं मार्केट। वजह यह है कि पूजा को जाना है पार्लर और हमें लेना है क्रियांश के लिए एक छोटा सा कुछ गिफ्ट। तो क्या गिफ्ट लेंगे वो सब तो ब्लॉग देखना, ब्लॉग के लास्ट में पता चलेगा कि हम क्या गिफ्ट लेने वाले हैं क्रियांश के लिए। और हमारी पैकिंग ऑलमोस्ट हो चुकी है, बस थोड़ा बहुत बचा हुआ है, तो वो जाएंगे पैकिंग करेंगे और कल एकदम से मॉर्निंग में निकलना है। तो चलो ब्लॉग में बने रहना, आई होप आपको ब्लॉग बहुत पसंद आए। पहुंच चुके हैं लालगंज और अभी पूजा गई है पार्लर। मतलब पार्लर मैंने इसे देखा है ना कि बहुत सारी लड़कियां हैं, मतलब पार्लर में बहुत बहुत देर टाइम लगाती हैं, बहुत सारा कुछ करवाती हैं, बट पूजा मतलब हमारी शादी को 3 साल प्लस हो चुके हैं, बट आज तक कभी रियर में ही हुआ है कि वो पार्लर गई हो और बहुत लंबा टाइम उसने मेकअप करवाया हो, कुछ भी करवाया हो, फेशियल, ब्लीचिंग, मतलब ना के बराबर, मतलब एक से दो बार ही होगा बस, आईब्रो के अलावा ज़्यादा कुछ भी नहीं। फिलहाल चलो हमें अपनी गाड़ी घुमा लेते हैं। चुकी है पार्लर से, आईब्रो बनवा, ये इतना कचरा साफ किया उसको, क्या कचरा था ना उसको। आंटी कह रहे थे कि हमको भी वीडियो बनाना है, फिर बनाई। कौन आंटी? पार्लर वाले। हाँ, आईब्रो बनाते ना, तो मैंने कहा कि बनाई, सारे लोग तो बनाते ही हैं जो भी नहीं मेकअप ये सब करते। पार्लर के बाद घर पहुंच चुके हैं। स्कूल जाएगा, स्कूल जाएगा, स्कूल घुमा। तो प्यारा सा गिफ्ट क्रियांश के लिए लिया है और पिछली बार गए थे तो मतलब आप सोच सकते हो कि पहले गेस करो आप कि हमने क्या लिया होगा। पिछली बार गए थे तो उसके लिए कपड़े ले गए थे और ये सिल्वर वाला बाला, तो बाला तो इस बार नहीं दे रहे हैं। वैसे ज्यादातर बच्चों को तो यही गिफ्ट पड़ता है, शिवांश को भी बर्थडे में ज्यादातर यही गिफ्ट पड़ा था, बाला, क्योंकि छोटे बच्चे पहनते हैं। तो मैंने भी क्रियांश को दिया था पिछली बार, लेकिन इस बार कुछ अलग है। सो आप गेस करो कि क्या है। तब तक मैं अपना सूट देख लेती हूँ, मैंने सूट सिलवाया था 2-3, तो वो चेक कर लेती हूँ कि कैसा सिला, अच्छा या खराब, क्योंकि मैं जहाँ से सिलवाती हूँ ना उनके घर में शादी था और वो नहीं सिल पाए। क्यों, मैं जहाँ से सिलवाती हूँ वहीं से मुझे अच्छा लगता है, वो अच्छे सिलते हैं। तो ये यहाँ पे ला के रखती हैं सूट। इसमें हे फैमिली, तो ये वाला चेन मैंने दिया था ठीक कराने के लिए। तो पहले क्रियांश का गिफ्ट ही दिखा देते हैं आप लोगों को, तब अपना सूट दिखाएंगे क्या। तो कल निकलना है हमें शाश्वत भाई के यहाँ पे क्रियांश के बर्थडे के लिए, और अभी तक हमने पैकिंग नहीं किया है, तो अभी सबसे पहले रात को हम लोग पैकिंग करेंगे और पैकिंग करने के बाद कल एकदम मॉर्निंग में निकलना है हमें कल, क्योंकि कल ही है बर्थडे और कल मतलब कि पूजा पाठ भी है, तो कोशिश करना है कि पार्टी अटेंड कर लेना है। तो पहले हम दिखा देते हैं आपको कि हमने क्रियांश के लिए क्या स्पेशल गिफ्ट लिया है, वो आपको दिखा देते हैं। वैसे आप गेस करो कि गोल्ड है या सिल्वर है, बट गोल्ड है या सिल्वर है, तो फर्स्ट टाइम हमने सिल्वर दिया था, तो इस बारी गोल्ड जो भी हो हम एक प्यारा सा छोटू सा कुछ गोल्ड बनवा के देना चाह रहे थे, तो हमने छोटा सा गोल्ड बनवाया है। अभी तक किसी ने नहीं देखा, पूजा ने भी नहीं देखा और मम्मा ने भी नहीं देखा, तो पहले मम्मा को बुलाते हैं, मम्मा को भी दिखाते हैं, देख सकते हैं। और पैकिंग तो भी बहुत सारा बचा हुआ है। अभी सूट देखा जा रहा है, पूजा ने चंडीगढ़ से कुछ सूट लिया था, तो ये और यहाँ देख सकते हैं ये मस्ती से सोया हुआ है कैसे सोया हुआ है देख सकते हो, डायपर पहन के। और अभी हम आपको दिखाने वाले हैं कि हमने क्रियांश के लिए क्या गिफ्ट लिया है। तो ये रहा प्यारा सा गिफ्ट जो अभी हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं, और
दिखाने वाले हैं खोल के। आपने गेस कर लिया होगा। वैसे हम पूरा नहीं दिखाते हैं, श्रेयांश के लिए माल। ये तो पूजा का मंगलसूत्र का है जो टूट गया था ना। अच्छा, तो ये अलग से इसका धागा है। हां हनुमान जी तो छूट हो जाएगा सूट, छूट हो जाएगा तो उतना ही पर्सन है अति करना था, तो बॉर्डर उखाड़ के ऊपर चिपकाया होगा। नहीं है ये पैंट का कपड़ा है ये वाला। अच्छा छोटा परा होगा ना, इसको लगा दिए है। कितना सही है, गला काटा दिया गला 350 रुपए। कौन आ गया ना बिना जी? रात के बज चुके हैं 11:30 और पैकिंग लगभग पूजा की डन हो चुकी है, इसने तो अपना कपड़ा डाल लिया है। ये रहा नीचे, अभी मैं कर रहा था एडिटिंग, तो यहाँ पे साथ साथ में एडिटिंग हो गया क्योंकि हमारा एडिटिंग है ना बहुत पीछे था, तो मैंने ऑन द टाइम सब कुछ एक साथ कर दिया है एकदम परफेक्ट टाइम पे, सेम डेट में, यानी कल से हम एकदम ऑन द टाइम चलेंगे। तो ये सब कुछ कम्प्लीट हो गया, आप बिलीव नहीं करोगे, आपको लग रहा होगा कि टाइम कितना, और ये देखो 11:32, डेट क्या है 15 मई, तो कन्फर्म हो ना कि सेम। तो ये पैकिंग था जिसमें पूजा ने अपने कर लिया, मेरा पैकिंग तो बचा हुआ है। जो हम सोच रहे हैं ना कि कल मॉर्निंग में उठते उठते, वैसे मुझे कुछ खास लेना नहीं है, एक कपड़े पहन के जाने हैं, एक वहाँ के लिए रखना है, मैं जनरली 2-3 सेट कपड़े रखने हैं, तो मैं जल्दी जल्दी रख लूँगा, बाकी डिसाइड करेंगे कि बर्थडे में क्या पहनना है। तो अगर बर्थडे में मतलब ब्लेजर वगैरह पहनना होगा तो वो एक्स्ट्रा ले लेंगे, वो सब है मेरा, जस्ट सब कुछ हो जाएगा जल्दी जल्दी में। और सबसे ज़्यादा मतलब टाइम लगता है पूजा को, तो हमने बोला कि आप तो रात में पैक कर लो, बाकी हम मॉर्निंग में पैक कर लेंगे। लगता है ना लड़कियों का कपड़े रखने में, चूज करने में, पसंद करने में, क्या पहनना है नहीं पहनना है, उसमें टाइम लगता है, बट लड़कों का ऐसा नहीं है, लड़के कुछ भी पहन लेते हैं। लड़की तो कुछ भी पहन लेते हैं, लड़के तो तो बाकी बहुत सारे क्रिएटर हैं ना वहाँ पे पहुँच चुके हैं। मॉर्निंग में भी 7-7 बजे का कॉल आया था, मतलब वो लगातार कॉल कर रहे थे हम लोगों को, वो बोल रहे थे कि एक दिन पहले ही आने को, बट यहाँ पे भी कुछ ऐसा वजह है, कारण था ना कि हम लोग नहीं निकल पाए। हम लोग का प्लान था कि आज ही निकल जाएंगे, बट किसी कारण से हम लोग नहीं निकल पाए। और मतलब यहाँ पे भी काम है क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको बताया था कि हमारा एक बिजनेस न्यू स्टार्ट हो रहा है, तो उसके लिए हमें बहुत सारा वर्क है, इसके वजह से मेरा ब्लॉग जो है ना ऑलरेडी बहुत पीछे हो गया था, इसको मैंने 1-2 दिन में जाके कवर किया है, 3 दिन ब्लॉग मारा। मैंने बोला चलो व्यू जाए या ना जाए, आप लोगों का प्यार बस बना रहना चाहिए, मैंने सारे ब्लॉग को डाल दिया है। कल जाके मैं इतना ब्लॉग गलती ना के बराबर होगी, कभी नहीं होगी, हम कोशिश करेंगे कि ऑन द टाइम ही डालें, क्योंकि ऑन द टाइम देखने में आप लोग को भी मज़ा आता है और हमें भी ज़्यादा मज़ा आता है। तो कल मॉर्निंग निकलना है, साथ साथ भाई के यहाँ पे कॉल पे कॉल बहुत ज़्यादा आ रहा है, और सुबह में उन्होंने कॉल किया था, बाद में मैंने देखा, बट हम लोगों ने डिसाइड कर लिया था कि आज निकलना पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि हमारा जो भी माल था वो ट्रांसपोर्ट में लगा हुआ है, उसके लिए हमें कुछ उसका बिल्टी नंबर ये वो बात करना था, ट्रांसपोर्ट में जो भी माल था उसको निकलवाना था, जिसके वजह से मुझे कुछ कारण से पटना और हाजीपुर का चक्कर लगाना पड़ गया, इस वजह से थोड़ा सा लेट हो गया। और लेट होने की वजह से फिर हमने सोचा था कि अगर जल्दी आ जाएंगे तो 2 बजे के बाद निकल जाएंगे, बट वहाँ से आते आते 3 से ज़्यादा हो गए थे, तो फिर थक गया था, तो मैंने सोचा चलो कल मॉर्निंग में निकल जाएंगे, और क्रियांश का कल बर्थडे है तो चलो। वैसे केक वेक तो लगता है कि आधी रात में 12 बजे के बाद ही फिर काटे होंगे। वैसे कोई नहीं, क्रियांश को हमारी तरफ से मतलब एडवांस में हैप्पी बर्थडे। तो 12 बजने वाला है, क्रियांश इस बार 1 साल का हो जाएगा। और ये देखो हमारा जो रूम है ना कैसा हो रखा है यार, मतलब बेबी होने के बाद ना घर में खिलौने और ये सब फैले ही रहेंगे, कितना भी कुछ कर लो ना, मतलब ये नहीं होने वाला, वो अपना खिलौना चारों तरफ रखता है, इधर हाथ मारेगा उधर इस उधर ही। हाँ निकल रहा है, मैंने बैलून फुलाने वाले से उसको फुलाया था, शिवान बहुत ना निकाल के फिर रोने लगा था, मैंने कहा कि पापा आएंगे ना तो फुला देंगे, मान ही नहीं रहा था, तो फिर मैंने फुलाया। चलो कोई नहीं, आप लोगों को गुड नाइट बोलते हैं, मिलते हैं कल मॉर्निंग में,
न्यू ब्लॉग के साथ और एक लंबे से टूर मतलब ट्रिप पे, रोड ट्रिप पे फिर निकलना पड़ेगा। 300-400 किलोमीटर का ड्राइव होने वाला है हमारा कटिहार के लिए। तो मिलते हैं मॉर्निंग में। आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया। लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय, टेक केयर। बंदे मातरम, जय माता दी। बहुत जो नींद आ रही है। बाय बाय, टेक केयर।